क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द फॉलोइंग कर्व. ओके, पी इज इक्वल टू बी साइन साई इंटू कोस साई. गिवन दैट पी इज इक्वल टू बी इंटू साइन साई इंटू कोस साई. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू साई. ओके, सपोज दैट दिस इज इक्वेशन वन. दिस इंप्लाइज दैट डी पी ओवर डी साई इज इक्वल टू डी ओवर डी साई बी साइन साई इंटू कोस साई. ओके, दिस इज इक्वल टू डी पी ओवर डी साई इज इक्वल टू बी इज कॉन्स्टेंट डी ओवर डी साई साइन साई इंटू कोस साई. ओके, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकेंड फंक्शन. सो दैट डी पी ओवर डी साई इज इक्वल टू बी इंटू फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड साइन साई एज इट इज डी ओवर डी साई कोस साई प्लस सेकेंड एज इट इज कोस साई एज इट इज डी ओवर डी साई साइन साई. ओके, सो दैट डी पी ओवर डी साई इज इक्वल टू बी इंटू साइन साई इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ कोस साई विद रिस्पेक्ट टू साई माइनस साइन साई प्लस कोस साई एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ साइन साई विद रिस्पेक्ट टू साई दिस इज इक्वल टू कोस साई ओके. सो दैट डी पी ओवर डी साई इज इक्वल टू बी इंटू साइन साई इंटू साइन साई माइनस साइन स्क्वायर साई कोस साई इंटू दिस इज कोस साई. ओके, कोस साई इंटू कोस साई प्लस कोस स्क्वायर साई. ओके, सो दैट डी पी ओवर डी साई इज इक्वल टू बी इंटू कोस स्क्वायर साई माइनस साइन स्क्वायर साई. सपोज दैट दिस इज इक्वेशन टू. ओके, नेक्स्ट, नाउ डी पी ओवर डी साई इज इक्वल टू डी पी ओवर डी साई इज इक्वल टू बी इंटू कोस स्क्वायर साई माइनस साइन स्क्वायर साई. दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन. अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू साई. ओके, दिस इज इक्वल टू डी ओवर डी साई डी पी ओवर डी साई इज इक्वल टू डी ओवर डी साई बी इंटू कोस स्क्वायर साई माइनस साइन स्क्वायर साई. ओके, सो दैट डी टू पी ओवर डी साई स्क्वायर इज इक्वल टू बी कॉन्स्टेंट क्वांटिटी डी ओवर डी साई कोस स्क्वायर साई माइनस डी ओवर डी साई साइन स्क्वायर साई. ओके, सो डी टू पी ओवर डी साई स्क्वायर इज इक्वल टू बी दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ कोस स्क्वायर साई विद रिस्पेक्ट टू साई टू इंटू कोस साई इंटू माइनस साइन साई. सिमिलरली माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर साई विद रिस्पेक्ट टू साई दिस इज इक्वल टू टू साइन साई इंटू कोस साई. क्लियर है ना. सो दैट डी टू पी ओवर
d psi square is equal to minus 2b cos psi into sin psi. Similarly, minus 2 into b sin psi into cos psi. Okay, any problem? No. So that d2p over d psi square is equal to minus 2b sin psi cos psi minus 2b sin psi cos psi. This is equal to minus 4b sin psi into cos psi. Okay, but we know that rho is equal to radius of curvature is equal to p plus d2p over d psi square. This is the formula. Okay, so that rho is equal to p plus the value of d2p over d psi square minus 4b sin psi into cos psi. Any problem? No. So that rho is equal to p minus 4 into b sin psi into cos psi. Okay, yahan tak any problem, any doubt, you can directly ask me. But given that p is equal to sin psi into cos psi, p is equal to b sin psi into cos psi. Okay, so that rho is equal to p minus 4 into value of p, b sin psi cos psi minus 4p, implies that rho is equal to p minus 4p, means that minus 3p. This is my required answer. Okay, if you have any problem, you can directly ask me.